प्रेज द लॉर्ड। प्रिय मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीह भाई बहनों, आज जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, बिशप अमरदीप जी हैं, राजस्थान के हैं। इन पर काफी अटैक हुआ है और इनके जो चर्च पे अटैक हुआ है, इनके ऊपर अटैक हुआ है, इनके कलीसिया के ऊपर अटैक हुआ। अभी अटैक करने वाला कौन है? पुलिस प्रशासन है। जी हाँ, आपको इस बात को सुनकर थोड़ी हैरानी हो रहेगी। मेरे मसीह भाई बहनों, इन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। सबसे पहले अपना दर्शकों को नाम बताएं। हाँ, मैं बिशप अमरदीप हूँ, श्री गंगानगर में हमारा चर्च है, राजस्थान के अंदर। हाँ, तो क्या हुआ ये आपके साथ, कैसे क्या क्या घटना हुई आपके साथ जो पुलिस प्रशासन ने किया, बताइए। अभी अभी जो घटना हुई है 21 मार्च की, उस दिन तो हम लोग यहाँ से गंगानगर से 3 बस भरकर लेके गए थे सीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। और जो यहाँ की समस्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा किस लिए ज्ञापन देने गए थे। लेकिन जब हम लोग ज्ञापन देने के लिए गए तो वहाँ पुलिस ने हमें रोक लिया और कहा कि आपको हम लोग मिलाएंगे, 5 लोगों को मिला देंगे, तो आप एक जो स्मारक है, शहीद स्मारक है, वहाँ पर बैठिए, वहाँ सब लोगों को ऐसे हम लोग बैठाते हैं। तो वो उनके घर से लगभग कोई 3 किलोमीटर दूर थी, तो हम लोगों को पैदल ही हम लोग वहाँ गए। हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं की और कोई शोर शराबा नहीं किया, हम लोग आराम से गए वहाँ पर शांति के साथ, और वहाँ शहीद स्मारक में जाकर जयपुर के अंदर वहाँ हम लोग बैठ गए। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम लोगों को कह रहे कि हम लोग आपको 5 लोगों को हम लोग मिला देंगे, ऐसी बातें चल रही थी। हम लोग कहा ठीक है, हम लोग मिल लेंगे, और सबको शांति से चल रहा था। लेकिन ऐसा बीच में ऐसा किया उन्होंने कि हमारे बीच में कुछ लोग जो सिविल ड्रेस में लोग थे, कोई सिविल ड्रेस में महिला पुलिस को आपके पास छोड़ दिया गया इंक्वायरी के लिए, जानने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो तो है थे, लेकिन जो असली बात ये हुई कि वहाँ पर इस सारे हमारे जो हम लोग ज्ञापन देने के गए थे, जो शांति का हमारा प्रोग्राम था, उसको गड़बड़ करने के लिए इन्होंने अपने आदमियों को बीच में हमारे छोड़ दिया, और जिनको हम लोग पहचान नहीं सके गए ये हमारे लोग हैं, क्योंकि इतनी भीड़ थी, 3 बसें भर कर गए थे, ये हमारे लोग हैं क्योंकि लोग हैं। तो हम लोग तो अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं, इतने में कुछ लोग निकल कर रोड के ऊपर चढ़े गए। जब वो रोड के ऊपर गए तो हमारे लोग भी उनके अंदर थे, कुछ औरतें थी, कुछ आदमी भी थे, और उन्हें नहीं मालूम था कि जो लेकर जाने वाले हैं वो उनके आदमी हैं, पुलिस के आदमी हो सकते हैं भी, ये तो अपनी चर्च के नहीं हैं लोग हैं, तो उन्हें नहीं पता चला, हमको भी नहीं पता चला। और मैं उनको रोक रहा हूँ, आवाज़ें मार रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, आप रुको, ऐसा करके कह रहा हूँ, लेकिन उनको पता नहीं, वो सीधा रोड पर चलने लगे। और आगे चलकर जैसे हम लोग उस पार्क से मैं बाहर निकला और उनके पीछे उनको रोकने के लिए मैं जा रहा था, तो बाकी के लोग जो थे वो मेरे पीछे चल पड़े, भी बिशप जी जा रहे हैं तो हमें भी उनके साथ जाना है, भी वो शायद कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग उनको रोक रहे हैं। लेकिन वो आगे चलकर जब मैं दौड़कर गया, थोड़ी सी पुलिस के साथ, पुलिस वाले हाथा पाई कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे हमारे लोगों के साथ जैसे, तो मैं दौड़कर आगे जाकर उनको रोका, और जैसे ही पुलिस की साइड जाकर मैंने रोका अपने लोगों को, जैसे उनको मैंने रोका तो वो रुक गए। और फिर मैंने देखा जो हाथापाई कर रहे थे उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी चर्च के क्या हमारे लोग ही नहीं थे वो, क्योंकि हम लोगों को तो हम सब लोगों को जानते थे। तो वो वहाँ पर जो थे असल में वो गड़बड़ करने के लिए इन्होंने अपने आदमी बीच में छोड़ दिए थे। तो इन्होंने क्या किया, वो जो गड़बड़ करने वाले लोग थे वो तो पुलिस से हाथापाई करने लगे, और फिर धीरे से हमारे उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने लाठीचार्ज किया उनके लोग निकल गए और हमारे लोगों पर लाठियाँ पड़ने लगी, और हमारे लोगों को इन्होंने उठाना शुरू कर दिया। तो ऐसे हमारे लोगों की हाथापाई करवा दी, हमारे लोगों पर लाठीचार्ज शुरू करवा दिया उन्होंने, और वो जो थे बाहर के लोग थे वो बीच में से निकल गए, ऐसा हुआ। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी कलीसिया की कुछ महिलाओं को भी लाठी चार्ज किया है, वो भी जेंट्स पुलिस वाले ने थाने में मारा है, ऐसा? हाँ, उसमें तो ऐसा हुआ ना कि इन्होंने वहाँ तो सबको पीटते ही रहे, लाठियों से पीटा, जैसे जो कुछ उनके हाथ में आया सबको वो मारते रहे वहाँ पर। तो और हालांकि लाठी चार्ज का कोई भी ऑर्डर नहीं था उनके पास, फिर भी उन्होंने पीटा, लाठी चार्ज किया, लोगों को हमारे लोगों को उठाना शुरू कर दिया उन्होंने, और 15 लोगों को, हमारे 4 महिलाएं थी जिसमें एक मैं था, 5 और 10 लोग दूसरे, इन सबको उठाकर वो पुलिस स्टेशन में ले गए। और जैसे पुलिस स्टेशन में ले गए तो इन्होंने औरतों को
जो जेंट्स पुलिस थी, आदमी थे पुलिस वाले, वर्दी में थे, कुछ सिविल में थे, इन्होंने बुरी तरह से पीटा, बुरी तरह से पीटा उनको, मतलब अधमरा करके छोड़ा। और जो हमारे लोग थे, जो जिनको हमारे लड़के लोग थे, इनको भी बहुत बहुत पीटा, बहुत, मतलब जैसे अधमरा करके छोड़ देते हैं वैसा छोड़ा, फिर पीटा ऐसे करके उनको ये पीटते रहे। और इतना नहीं, औरतों को इतनी गंदी गंदी गालियां निकालते रहे, पर विश्व मसीह को इतनी गंदा गंदा बोलते रहे, यहाँ चमत्कार करके दिखाओ, यहाँ पर विश्व मसीह का उल्टा पुल्टा बोलकर भी यहाँ उतरे वो, और क्रिश्चियन धर्म के बारे में इतना कुछ बोलते रहे। जो लोग थे, कुछ बेचारे ऐसी जाति के थे, कुछ ऐसे थे, उनको जाति सूचक गालियां निकाल कर पूछते रहे, क्योंकि उन्होंने नाम पूछा, जाति पूछी, तो उनको गालियां निकाल रहे थे। इतना गंदा, औरतों को इतना गंदा मार रहे थे, अंदरूनी चोटें, बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोटें उनको आई हैं। अच्छा पादरी साहब, बिशप पादरी साहब, अमरजीत सिंह पादरी साहब, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूँगा। क्या पुलिस प्रशासन जो है वहाँ का, राजस्थान का, उन्होंने आप पर धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया है? वो असल में मेरे से उन्होंने ऐसी कोई पूछताछ नहीं की, लेकिन वो इन लोगों के ऊपर इसलिए मार रहे थे कि ये कबूल करें, ये कहें कि बिशप अमरदीप ने पैसे देकर हमारा धर्म परिवर्तन कराया, इसलिए उनको पीट रहे थे। अच्छा, ऐसा पुलिस वाले ने मारा आपकी कलिशिया के मेंबर? हाँ। को कि बिशप को बताओ कि तुम गवाही दो कि वो मुझे पैसे देकर धर्म परिवर्तन हाँ, कराया। वो वहां पे उन लोगों को मारा गया, रिमांड पर लेकर उसे पीटा गया। हाँ, बिल्कुल, उनको पीटते रहे और ये कहते रहे कि तुम कहो कि हम लोगों ने धर्म बदला है और हमें लालच देकर धर्म बदला है, ऐसा करके बहुत बेचारों को उनको मारा पीटा। और हमारे साथ एक एडवोकेट भी थी जो प्रेजेंटेशन देने के लिए गई थी कि जब ज्ञापन देना होगा तो उस समय मैं प्रेजेंटेशन दूंगी, तो वो ड्रेस में थी, कोट भी पहना होता उसने ब्लैक, उसको भी इन्होंने अरेस्ट कर लिया। और हम लोगों को सबको उन्होंने एक दिन, मतलब उसी दिन हम लोगों को जैसे रेस्ट किया पूरा दिन, और हमारा रेस्ट टाइम इन्होंने बहुत लेट दिखाया, और रात को हम लोगों को हवालात में रखा, हम सबको हवालात रखा, 15 लोगों को, औरतों को भी और हम सबको। क्या आपको भी अरेस्ट किया गया, आपको भी हवालात में रखा? मुझे भी अरेस्ट किया, मुझे भी हवालात में रखा। कितने, एक दिन या दो दिन रखा? क्योंकि उनको 24 घंटे में एक दिन हाँ, पूरा रखा। तो क्या फिर आपने बेल पे छोड़ा कि वो आपको ऐसे ही छोड़ा? हाँ, नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा, हम लोगों को हमारी बेल हुई, इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, और उसमें पुलिस वाले ने मुकदमा आपके हाँ, दर्ज हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया। क्या आरोप लगाया आपके ऊपर? उन्होंने भारतीय जो दंड संहिता है उसमें 143 और 188 283 और 332 और 353 ऐसी 353 332 283 188 143 ये धाराएं लगाकर झूठाई बनाकर उन्होंने FIR दर्ज करके कि ये कहते थे प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं और जो सरकार में जितने लोग बैठे हैं उनको हम जान से मार देंगे, मतलब हम लोगों ने कहा ऐसा करके, मतलब बनाकर, और इन्होंने पुलिस को मारपीट की, ये ऐसा सब बनाकर उन्होंने मतलब। अच्छा, मतलब झूठा है आरोप लगाकर आपको मतलब किसी तरीके से प्रशासन जो है वो आपको अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार हाँ, किया गया कि आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, झूठा धारा मतलब कि आपने प्रशासन को मारने की धमकी दिया या कुछ भी इस तरह से बनाकर कुछ करने का आपने ये किया, प्रत्यंत किया, और ये इस तरह से करके प्रशासन ने खुद आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया और आपके कलिशिया के मेंबर्स पे आरोप लगाया और आपको अरेस्ट करके एक दिन तक आपको हवालात में रखा है ना। हमारी औरतों को भी वहां उन्होंने रखा, और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने दोपहर के बाद में जब कोर्ट में पेश किया तो माननीय न्यायाधीश ने हम लोगों को बेल हमें दे दी उन्होंने, और इन्होंने तो कोशिश की कि बेल ना मिले इन्हें और इनका रिमांड लें, ऐसा करके ये तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें बेल मिल गई। और इसमें एक बात और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये हुआ कि कि असल में हम लोग वहाँ जयपुर में ज्ञापन देने के लिए गए क्यों, श्री गंगानगर से हमारे यहाँ से जयपुर 550 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? असल में क्या है कि हमने यहाँ पर 2 बीघा ज़मीन ली, वो एग्रीकल्चर लैंड है, उस लैंड को हम लोग कमर्शियल कराने के लिए फाइल लगाई, और उस फाइल लगाई को 6 महीने हो चुके हैं, जितनी भी NOC चाहिए थी वो सब NOC हम लोगों ने यहाँ पर जो कलेक्टर हैं उनको हम लोगों ने NOC दी, और सब NOC होगी। इन्होंने कहा कि हमें कुछ भूमि जो आगे है वो रोड के लिए दो, तो हमसे मुफ्त में बिना मुआवजा दिए इन्होंने 0.022 हेक्टेयर भूमि जो थी इन्होंने राज्य सरकार के नाम करवा ली,
वो भी हम लोगों ने दे दी इनको मुफ्त में। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हम लोगों ने जो थोड़ा सा निर्माण किया था, दीवारें की हुई थी, तो इन्होंने हम लोगों को फाइन लगा दिया, जुर्माना लगा दिया, और जुर्माना इन्होंने लगा दिया 2,29,561 रुपए, है ना, लगभग 2,30,000 रुपए। तो वो हम लोगों ने फाइन भी भर दिया। फिर इन्होंने जो टोटल फीस थी इसकी, पूरी फीस ले ली इन्होंने, जो पूरी फीस, जो पूरे पैसे लिए उन्होंने 3,06,082 रुपए, है ना। तो ये पूरी फीस भी इन्होंने ले ली हम लोगों से, फाइन ले लिया, और ये सब कुछ 31 जी दिसंबर की बात है, 31 दिसंबर 2021 की बात है, ये सब कुछ ले लिया। और फिर हम लोगों ने जिला कलेक्टर से हम लोगों को मिले और उन्होंने कहा कि आपकी फाइल तो पास हो चुकी है, तो हम आपको जल्दी उसके जो पेपर आप दे देंगे, ऑर्डर की कॉपी दे देंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं दी। हम लोग फिर यहाँ कई बार गए, हम लोगों को ऑर्डर की कॉपी मिली, आखिर हम लोग परेशान होकर यहाँ के सब लोग, चर्च के जितने लोग हैं, 400-500 लोग इकट्ठे होकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर गए, और वहाँ पर हम लोगों ने अपनी मांग को रखा, कहें कि हम लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, और फिर कलेक्टर से मिले, उन्होंने हमें अंदर बुलाया, वो कहते आपका तो आपको ज़रूरत नहीं है धरना प्रदर्शन करने की, आपकी फाइल तो पास हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी, बार बार जाने के बावजूद भी हम लोगों को ऑर्डर की कॉपी नहीं दी। और असल में कारण क्या है, वहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा चर्च बनाया है, यानी कि 3 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा, ऐसा हो गया 10 फुट चौड़ा और लगभग 34 फुट लंबा, टोटल 340 स्क्वायर फुट हम लोगों ने छोटा चर्च बनाया, पूजा स्थल बनाया, वहाँ उसके ऊपर बोर्ड लगा है, क्रॉस लगी है, अंदर पर्दे वगैरह लगाकर पूरा चर्च बनाया है, ताकि वहाँ आराधना कर सकें, तो दो चार लोग बैठकर अंदर, क्योंकि थोड़ा छोटा जगह है वो। तो ये इतराज करने लगे, आपने चर्च क्यों बनाया है, इस कारण से उन्होंने फैल को रोक दिया। तो हम तो ये कहते हैं, हम लोगों ने उसको कमर्शियल करवाया जमीन को, आपने सब कुछ कर दिया, आप कमर्शियल करें, अगर हमने अपना पूजा स्थल वहाँ बनाया है तो सरकार को क्या इतराज। लोगों के पूजा स्थल जो हैं वो तो सरकारी भूमि पर, कब्जे की भूमि पर बने हुए हैं, हमने तो अपनी ही जमीन पर, अपनी ही भूमि पर ये बनाया, तो फिर सरकार प्रशासन को क्यों तकलीफ। तो ये जो जिला प्रशासन है हमारी इस बात को नहीं सुन रहा था, बार बार कहने के बावजूद हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं दे रहा था। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग जो ज्ञापन देने गए थे, हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करने नहीं गए थे, हम लोग वहाँ ज्ञापन देने गए थे मुख्यमंत्री जी को, और तो ये जो है आगे की घटना जो भी घटना, तो इन्होंने एक और ऐसा किया कि जो हमारे फ़ोन थे, इन्होंने फ़ोन जब्त कर लिए थे, जो हमारे फ़ोन थे, फ़ोनों को इन्होंने तोड़ दिया, पूरी तरह तोड़ दिया, और हमारा कैमरा इन्होंने रख लिया था, उसका कार्ड इन्होंने निकाल लिया और फ़ोन तोड़ दिए, और फ़ोनों में से जो थे, जो हम लोगों ने वीडियो शूट किए थे, उनको इन्होंने डिलीट कर दिया। और एक तरफ तो जैसे हमें ये कहते अच्छा, हैं मतलब आपने वीडियो बना रखा था, मतलब लोग जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे थे पुलिस प्रशासन, उसका वीडियो आपने बना रखा था, वो वीडियो सब डिलीट करवा दिया और आपको, आपका फोन भी तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, तो इन्होंने जो तो वीडियो थे, जब तक हम लोग वहां तक शांति के साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ तक तो इन्होंने रहने दिया। और उसके बाद जब ये लोग कहते हैं कि हम लोग ने हंगामा किया, जब हमने हंगामा किया तो फिर हमारा वीडियो तो उनको रखना चाहिए था, तो उन्होंने हमारा वीडियो जो है उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, वो आगे का जो वीडियो था काट दिया, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इनकी जो थे वीडियो बनाए हुए थे, ये मार रहे थे, औरतों को पीट रहे थे, आदमियों को मार रहे थे, और इसमें उस वीडियो में इनके लोग जो थे हमारे अंदर शामिल तो हुए थे, जिन्होंने हंगामा शुरू करवाया था, हड़दंगा मचाया था, उनके लोगों की भी तो तस्वीरें थी, और इसलिए उन्होंने सब कुछ उसको सबको डिलीट कर दिया, डबल डबल जगह से डिलीट कर दिया, ताकि उनका बैकअप भी हम लोग ना निकाल सकें, ऐसा इन्होंने किया। यानी कि आप पे काफ़ी मतलब ये हुआ है, अत्याचार हुआ है जो प्रशासन की तरफ से, ये बहुत ही निंदनीय है। जबकि मेरे मसीह भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक प्रशासन जो होता है ये पब्लिक सर्वेंट होता है, पब्लिक सर्वेंट यानी पब्लिक का मदद करने वाला। आज वही प्रशासन देखिएगा पब्लिक को सर्वेंट ना बनकर वो पब्लिक को झूठा आरोप लगाकर मार कर पीट कर उसे देखिएगा। अभी जैसे बिशप साहब ने बताया, बिशप साहब अमरजीत बिशप साहब ने बताया कि मुझे भी अरेस्ट कर लिया, एक बिशप को भी अरेस्ट किया गया, जबकि उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वहाँ के कलीसिया के जो मेंबर थे मेरे मसीह भाई बहनों, वो सब जो है वो नहीं बताएं कि मेरा धर्म परिवर्तन पैसे देकर इन्होंने किया है।
तो ये था खबर, और ये बहुत ही दुखनीय और बहुत ही निंदनीय है कि आज जो है हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे घटनाएं हर दिन आए दिन देखने को मिलती है। तो थैंक यू पादरी बिशप साहब, आपने अपने कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को कीमती समय दिया। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे और उस पुलिस प्रशासन के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है उनकी मनों को बदले और उन्हें आशीष दे। थैंक यू।